हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं शिक्षण अधिगम का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आपके 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर ये आता है, और इसमें टोटल जो हमारे क्वेश्चनों की संख्या होती है वो होती है 40, और यहाँ पर आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। अगर 24 नंबर आ गए तो लग जाता है बैक, जैसा कि आपको पता है, और 3 सब्जेक्ट में लगातार बैक आने पर आपका जो सेशन है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, और फिर से आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, 3 सब्जेक्ट हमारी ऐसी होती है जिसमें बहुत ही बड़ा पेपर आता है, 50-50 नंबर में लिखने को आता है। यहाँ पर टाइम आपका होता है 2 घंटे का। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पर जैसा कि पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है 2015 में पूछा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बा की तरफ जा रहे हैं, पूर्ण से अंश की ओर एकदम करेक्ट आंसर है उन सभी का। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, भूगोल शिक्षण में एकदम करेक्ट है उन सभी का आंसर। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षण को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है किसका है, पार्कर का है, कॉल्विन का है, हैरिस का है, रियान का है। ये कुछ जो हमारा है क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कॉल्विन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थानीय ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण जो है वो सक्रिय वातावरण में भी, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में भी सहायक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या पुनर्बलन कौशल, या व्याख्यान कौशल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, या बालकों को खेलना सिखाना। तो यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर स की तरफ जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, बालकों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, जानना, समझना, समयबद्धता, चिंतन करना, या समयबद्धता या समझना। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जा रहे हैं द की तरफ, यानी समय बद्धता, वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, या कला शिक्षण में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिनोज जो है सर्वाधिक उपयोगी है किसमें, गणित शिक्षण में उपयोगी है, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सुकराती विधि कहते हैं, कहानी विधि को कहते हैं, व्याख्या विधि को कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं, या विश्लेषण विधि को कहते हैं। ये भी जो क्वेश्चन हमारा है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 95 नंबर की, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, भाषा अध्ययन का, गणित अध्ययन का, उपर्युक्त सभी, या पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण से के किस सिद्धांत पर आधारित है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर, या अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, या रुचि के सिद्धांत पर, या चयन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर।
उसके बाद देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। 4 होती है, 5 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों कि प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और विद्यार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षक और कर्मचारी की, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थी की। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ यहाँ पर, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मेरा प्रथम सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हम सेकंड सेमेस्टर में कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। आप जब तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आपको सेकंड सेमेस्टर में बैठने को नहीं मिलेगा, जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे दोगे। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम इधर नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्या साथ में हमारे एग्ज़ाम होंगे, मतलब लेट हो रहा है तो इस वजह से क्या साथ में एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही, जैसे ही इंडिया का थोड़ा सा हालात कोरोना वायरस की वजह से सही होते हैं, तुरंत आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाए, 3 साल में आपका पूरा हो डीएलएड तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस कोरोना वायरस से हमको बच के रहना है। ठीक है, घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। ये भी जो क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है 2015 2015 2015 लगातार क्वेश्चन 2015 पूछा गया है, इस वजह से ये सेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, डम्बलिन का, हार्बर्ड का, हार्बर्ड का, या फिर फ्रॉवेल का, या रूसो का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रूसो का। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है, अध्यापक है, विद्यालय है, प्रशासन है, बालक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, बालक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षक प्रविधियाँ, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी 90% जो केस होते हैं वो उपर्युक्त सभी की तरफ जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट है तब आप अगर ऑप्शन में उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी के ऊपर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, या सरदार पटेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण सूत्र पर प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, या कथन है किसका, 2015 पूछा गया, टी रेमंड का है, रूसो का है, काल्विन का है, या फ्रोबेल का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी रेमंड का है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान निम्नांकित हेतु है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, तो यहाँ पर 0 से 14, 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु, या 13 से 19, या 18 से 21। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, या उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधारशिला होती है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अगला हमारी यानी न्यू जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा ही होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है, इतिहास विषय में, संगीत विषय में, संस्कृत में, या भूगोल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, इतिहास विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्याख्या उन तथ्यों, नियमों, या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे, यह कथन किसका है, डम्बल का है, रस्क का है, रूसो का है, विवेकानंद का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रूसो का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुछ वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति के कार्यशाला, या समूह चर्चा, या कहानी कथन प्रवृत्ति के।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, समूह चर्चा पवित्र, क्योंकि अंताक्षरी जो होती है वो समूह यानी वाद विवाद एवं अंताक्षरी जो होती है वो समूह में करवाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है होता है, ठीक है, और यहाँ पर पूर्व ज्ञान से, पठोपरांत निष्कर्षण से, मौन वाचन से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण पूर्ण बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है या परिभाषा है। ये क्वेश्चन जो हमारा 2016 में, अब 2016 स्टार्ट हो गया, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा एलन गेज हो जाएगा, बी एफ स्किनर हो जाएगा, बी ओ स्मिथ हो जाएगा, या के पी पांडे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको भरना क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एफ स्किनर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत है, आगमन विधि का सिद्धांत है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। ये भी जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रहना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, या जनसंख्या शिक्षा देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण का आवश्यक हो शिक्षण आवश्यक है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व से अंश की ओर का शिक्षण सुस्त आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, या जीव विज्ञान पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रियापदक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, उचित श्रृंखलाबद्धता, या लेखन की स्पष्टता, या कथनों में तारतम्यता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कथनों में तारतम्यता, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, प्रश्नोत्तर विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, या विवरण विधि है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विवरण विधि, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणित किट का उपकरण है डेमिनोज, वीकर, क्लैंप, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डेमिनोज, जैसा कि ऊपर अभी बताया भी गया था, ठीक है, डेमिनोज किससे संबंधित है, तो गणित से है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, स्मृति, शिक्षण, अधिगम, व्याख्यान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो लगातार क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नीरस होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए, या प्रकाशपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर समाहित प्रक्रिया होती हैं, कितनी होती हैं, होती हैं 3 होती हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बा की तरफ जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों के कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, तथा दाएं बाएं मोड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियाँ हैं। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, शारीरिक गतिविधियाँ, मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों, या ना तो शारीरिक है ना ही मानसिक है। तो ये हमारी गतिविधियाँ कौन सी हैं, ये शारीरिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है,
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, या सुलेख पर बल देना, या गृह कार्य देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। तो दोस्तों ये था आप सभी का मॉक टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।